सो मैं उनके पास आता हूँ, उन्हें कैरेस करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेती हैं मतलब सोते हुए, एंड मुझे अल्टीमेटली वहीं पे उनके बगल में सोना पड़ता है. बगल में मतलब कि बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे सोना पड़ता है. तो मैं वहाँ पे सो जाता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, एंड मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि तुम शायद बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था. तो मैं अभी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ जाता हूँ. आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज नील ने कुछ ठान लिया है कि दयावंती को सज़ा दिलवा के रहेगा. सो अभी फ़िलहाल वो कम्फर्ट जोन नहीं है मियाँ बीबी वाला, बट विद टाइम्स टू कम आई थिंक हस्बैंड और वाइफ की जो इक्वेशन होती है, जो रोमांटिक साइड होता है, वो ज़रूर देखने को मिलेगा ऑडियंस को. आज वापस नील और अवनी पास आ गए हैं. नील थोड़ा घबरा गए. क्यों घबरा? इसलिए गए क्योंकि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था. रात को होता क्या है कि वो सो जाती हैं एंड बुरे सपने देखने लग जाती हैं दयावंती के बारे में. सो मैं उनके पास आता हूँ, उन्हें कैरेस करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेती हैं सोते हुए, एंड मुझे अल्टीमेटली वहीं पर उनके बगल में सोना पड़ता है. बगल में मतलब कि बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे सोना पड़ता है. तो मैं वहाँ पर सो जाता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, एंड मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि तुम शायद बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था. तो मैं भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ जाता हूँ. तो आगे जाके नील अवनी के बीच कुछ और रोमांटिक सीन्स देखने मिलने वाले हैं, और किस तरह से नील अवनी को ये सारे प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं. आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज नील ने कुछ ठान लिया है कि दयावंती को सज़ा दिलवा के रहेगा. सो अभी फ़िलहाल वो कम्फर्ट जोन नहीं है मियाँ बीबी वाला, बट विद टाइम्स टू कम आई थिंक हस्बैंड और वाइफ की जो इक्वेशन होती है, जो रोमांटिक साइड होता है, वो ज़रूर देखने को मिलेगा ऑडियंस को. घबरा इसलिए गए क्योंकि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था. रात को होता क्या है कि वो सो जाती हैं एंड बुरे सपने देखने लग जाती हैं दयावंती के बारे में. सो मैं उनके पास आता हूँ, उन्हें कैरेस करता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं मतलब सोते हुए, एंड मुझे अल्टीमेटली वहीं पर उनके बगल में सोना पड़ता है. बगल में मतलब कि बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे सोना पड़ता है. तो मैं वहाँ पर सो जाता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, एंड मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि तुम शायद बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था. तो मैं अभी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ जाता हूँ. आगे जाके नील अवनी के बीच कुछ और रोमांटिक सीन्स देखने मिलने वाले हैं, और किस तरह से नील अवनी को ये सारे प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं. आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज नील ने कुछ ठान लिया है कि दयावंती को सज़ा दिलवा के रहेगा. सो अभी फ़िलहाल वो कम्फर्ट जोन नहीं है मियाँ बीबी वाला, बट विद टाइम्स टू कम आई थिंक हस्बैंड और वाइफ की जो इक्वेशन होती है, जो रोमांटिक साइड होता है, वो ज़रूर देखने को मिलेगा ऑडियंस को. आज वापस नील और अवनी पास आ गए हैं. नील थोड़ा घबरा गए. क्यों घबरा? इसलिए गए क्योंकि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था. रात को होता क्या है कि वो सो जाती हैं एंड बुरे सपने देखने लग जाती हैं दयावंती के बारे में. सो मैं उनके पास आता हूँ, उन्हें कैरेस करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लेती हैं सोते हुए, एंड मुझे अल्टीमेटली वहीं पर उनके बगल में सोना पड़ता है. बगल में मतलब कि बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे सोना पड़ता है. तो मैं वहाँ पर सो जाता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, एंड मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि तुम शायद बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था. तो मैं भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ जाता हूँ. तो आगे जाके नील अवनी के बीच कुछ और रोमांटिक सीन्स देखने मिलने वाले हैं, और किस तरह से नील अवनी को ये सारे प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं. आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज नील ने कुछ ठान लिया है कि दयावंती को सज़ा दिलवा के रहेगा. सो अभी फ़िलहाल वो कम्फर्ट जोन नहीं है मियाँ बीबी वाला, बट विद टाइम्स टू कम आई थिंक हस्बैंड और वाइफ की जो इक्वेशन होती है, जो रोमांटिक साइड होता है, वो ज़रूर देखने को मिलेगा ऑडियंस को. घबरा इसलिए गए क्योंकि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था. रात को होता क्या है कि वो सो जाती हैं एंड बुरे सपने देखने लग जाती हैं दयावंती के बारे में. सो मैं उनके पास आता हूँ, उन्हें कैरेस करता हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं मतलब सोते हुए, एंड मुझे अल्टीमेटली वहीं पर उनके बगल में सोना पड़ता है. बगल में मतलब कि बेड के ऊपर नहीं, बेड के नीचे सोना पड़ता है. तो मैं वहाँ पर सो जाता हूँ, सुबह जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है, एंड मैं वो क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि तुम शायद बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था. तो मैं भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ जाता हूँ. आगे जाके नील अवनी के बीच कुछ और रोमांटिक सीन्स देखने मिलने वाले हैं, और किस तरह से नील अवनी को ये सारे प्रॉब्लम से निकालने वाले हैं. आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज नील ने कुछ ठान लिया है कि दयावंती को सज़ा दिलवा के रहेगा. सो अभी फ़िलहाल वो कम्फर्ट जोन नहीं है मियाँ बीबी वाला,
बट विद टाइम्स कम आई थिंक हस्बैंड और वाइफ की जो इक्वेशन होती है जो रोमांटिक साइड होता है वो जरूर देखने को मिलेगा ऑडियंस को. थैंक यू सो मच.